हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग जो है कुशल मंगल होंगे और एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी के दरमियान बीच में एक एक चैप्टर आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन में, हम लोग उसी के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है इसमें जो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन में कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, हम लोग यहाँ पे ये दो वर्ड से बना हुआ है, रेड और ऑक्स से। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। जो हम लोग को यहाँ पे पूछा जाता है प्रायः कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन हम लोग सिंपल समझते हैं क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना, इसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जोड़ होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, हटाया जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या, फिर कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो वैसा जो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रायः हम लोग ग्रुप वन ग्रुप टू को अभी बात कर रहे हैं, वैसे मेटल हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिसमें प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही में जब सबसे लास्ट में हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ पे हम लोग पांच डिफिनेशन जो है देख रहे हैं कि ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। पहला क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको नॉन मेटल को बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वैसा मतलब जो मेटल को क्या करता है, रिमूव करता है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो ग्रुप वन ग्रुप टू प्रायः हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसको भी आज सीखने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन सिंपल होता है क्या, जस्ट उल्टा। जो हम लोग अभी पढ़े हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे पढ़ना है क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे पढ़े रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे पढ़ देना है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जस्ट उल्टा, जो ऑक्सीडेशन करेगा उसका उल्टा रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जो ऑक्सीडेशन करेगा उसका जस्ट उल्टा जो है वो रिडक्शन करेगा। और ये दोनों जब एक साथ हो, है ना, ये दोनों जब एक साथ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। उसको स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और एक समझ लेना है क्या चीज़, कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ये भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको भी हम लोग कर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या लिख लेना है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या लिख लेना है? रिडक्शन। क्या लिखना है? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यहाँ पे इधर भी लिख लेते हैं क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और इधर हम लोग लिखते हैं इसका उल्टा में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज, कि जो ऑक्सीडेशन का काम करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का प्रक्रिया हम लेंगे तो, और जो रिडक्शन जो वर्क कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और एक यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझना है क्या चीज, कि इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैसा अगर हो गया तो यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। और यहाँ पे रिडक्शन जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या रहेगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सारा चीज को हम लोग आइए समझते हैं कि
चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझते हैं क्या चीज़। क्वेश्चन नंबर वन जो है यहाँ पे एकदम अच्छे तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है ऑक्सीडेशन इज, यहाँ पे अभी हम बोले कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एकदम एकदम स्पष्ट रूप से समझना है। यहाँ पे क्या बोले हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहला आंसर मिल गया कि पहला का क्या हो जाएगा, वन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में रिडक्शन, अभी हम लोग पढ़े क्या चीज कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा का क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरा का क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। थर्ड में आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे समझना है क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है इसमें बोला जा रहा है विच इटसेल्फ डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, विच इटसेल्फ इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का वह बोथ लिखा हुआ है और नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझना, एकदम अच्छे से अगर इस डिफिनेशन को याद कर लोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन जो काम करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो रिडक्शन काम करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल रहे हैं क्या चीज की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है विच इटसेल्फ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज यहाँ पे हम लोग प्राय इंक्रीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, H2 और प्लस O2। अब H2O2 दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, H2O। अब जानते हैं कि जो फ्री स्टेट में, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो मानते हैं। यहाँ पे भी ये स्वतंत्र अवस्था मतलब अकेले है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। अब ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं कि इसका कितना होता है, -2 होता है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि ये जीरो से कितना हो गया, +1। अब जीरो से +1 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जीरो से कितना हो रहा है, जीरो से हो रहा है -2, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। अब हम अभी बात किए थे कि जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो से कितना हो रहा है, +2 +1 हो रहा है। अब ये जो है स्मॉल है, ये दोनों में ये स्मॉल है इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये दोनों में ये हम लोग का बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, यहाँ पे सॉरी, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें हो गया हम लोग का क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि अगर ये दोनों में मिलाते हैं तो ये हम लोग का ग्रेटर हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो ये ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ये दोनों में जो कम होगा उसका वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम यही चीज समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला किया जा रहा है कि विच इटसेल्फ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला जा रहा है? विच इटसेल्फ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन। इंक्रीज को हम लोग ग्रेटर मानेंगे और ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड। आगे है द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है इन्वॉल्व करता है कहाँ पे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी पढ़े हम लोग, ये फर्स्ट नंबर। रिड्यूसिंग एजेंट फिर से वही चीज, अभी हम लोग पढ़े क्या, रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों में देखना है, ये दोनों में है ना, ये दोनों में हम लोग का क्या हो गया, ये कम है ना, लोअर है। ठीक है, ये लोअर है इसलिए कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे वही चीज को समझना है क्या चीज, कि विच इटसेल्फ लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से हम लोग का आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग का क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, डोनर कहलाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे आते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ से हम लोग को समझना है कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। माय डियर स्टूडेंट इसको अच्छे तरह से देखोगे, स्किप नहीं करना है,
अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आइए समझते हैं कैसे इसको बनाते हैं। पहला यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहला चीज है Na(H₂)PO₄। ठीक है, इसमें हम लोगों को किसको, फॉस्फोरस का निकालना है। किसका निकालना है, फॉस्फोरस का। तो यहाँ पे समझना है कि कैसे इसको निकालते हैं, एकदम अच्छे तरह से देखना है क्या करना है जिसको, क्योंकि रफ में हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए हम लोग को रफ में यूज करना है। तो क्या बोलना है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, फॉस्फोरस, जिसको निकालने बोला उसको एक्स मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और ग्रुप वन का है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है +1 भी होता है और -1, लेकिन ये मेटल की तरह काम कर रहा है इसलिए 1, और कई गो हाइड्रोजन है, 2, इसलिए 2 लिख दिए। फॉस्फोरस का कितना, एक्स, प्लस क्या करना है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो +1 +1 और ये सॉरी 2 × 1 इक्वल टू 2 प्लस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, 8 = 0। तो अब इसको करना है 2 और 1 3 और यहाँ पे -8, तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना, 5 = कितना 0, एक्स इक्वल टू बराबर के उधर लाएंगे तो +5। तो ये हम लोग का +5 आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना, 3। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। आगे सेम वही चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसको आप लोग कमेंट में है ना, कमेंट में आप लोग लिख के भेजिएगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है और कैसे होता है। ठीक है, आगे है 10 नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl(O)3 माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज वाला को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Cl(O)3-। ठीक है, फिर से इसी तरह से लेट क्या करना है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना, एक्स मान लेना। अब यहाँ पे क्या कर दिए, एक्स कर दिए, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है, 3। ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, -2। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज कंपाउंड में दिया हुआ है ये हम लोग, चूंकि सम ऑफ ऑल जो मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 0 होता है, लेकिन जब चार्ज दिया हुआ रहेगा तो वही इसका बराबर के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे लिखेंगे, -6 = कितना, -1। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको बराबर को उधर करेंगे तो 6 - 1 = कितना, +5। कितना हो जाएगा, +5। तो यहाँ पे भी हम लोग का कितना हो गया, +5। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे वाक्य में है कि नहीं +5, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो गया, 1 नंबर। कितना हो गया, 1 नंबर। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, और अच्छे से ढंग से बनाना है ताकि आप लोग को जो है दिक्कत ना हो ये एग्जाम में। ठीक है, अब आगे आता है क्या चीज, 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको खुद बना के आप लोग जो है हमको बताइएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 12 का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा एग्जाम में आता है तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ बोला जा रहा है बोरोन का निकालना है जबकि सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया हुआ है। यहाँ पे इसको समझना है माय डियर स्टूडेंट कैसे निकाला जाता है, ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, ये एन ए है, एन ए, ठीक है, और यहाँ पे बी है और H₄ है। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है। जब भी नॉन मेटल है ना, अधातु की तरह जब हाइड्रोजन काम करेगा, ये रूल है, हाइड्रोजन जब कैसा काम करेगा, नॉन मेटल की तरह, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो -1 की तरह। कितना हो जाएगा, -1। इसको एकदम अच्छे ढंग से समझना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम है, सोडियम का हम लोग को क्या मानना है, क्या करना है, चूंकि ग्रुप वन का है इसलिए +1। उसके बाद यहाँ पे बोरोन है, बोरोन का कितना करेंगे, एक्स, प्लस हाइड्रोजन का जो है 4, 4 - कितना 1 = टोटल कितना 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। उसके बाद x - 4 = 0। अब एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 = 0, एक्स इक्वल टू बराबर के इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3। आप लोग गलती मत कीजिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही प्रायः हम लोग फंसते हैं, और ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। हाइड्रोजन जब भी हाइड्रेट की तरह बिहेव करेगा, हाइड्राइड की तरह बिहेव करेगा तो नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल में क्या होता है,
ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसका तो देख लिए कितना हो गया, +3। आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CaO2 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर और निकालना है किसका, CaO2 का। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो है बोला गया है CaO2 में किसका निकालना है, O का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको X मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कैगो है, 2। यहाँ पे जानते हैं ये ग्रुप 2 का है, इसलिए इसको हम लोग कितना बोलेंगे, +2 = कितना, 0। मतलब जो ग्रुप का रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2X इसको बराबर को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब X = कितना, -2 / 2 = कितना, -1। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, -1। तो यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं कि और ये ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 14 में बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस H4P2O7। ठीक है, एकदम सेम इसका, एकदम वही टाइप से बनाना है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, आप लोग इसको बनाइएगा। तो आइए हम लोग 17 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे 17 में बोला जा रहा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C12H22O11। यहाँ पे सुक्रोज बोला गया है, अगर इसके जगह हम सुक्रोज लिखा रहता है तो सुक्रोज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसको हम लोग आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकालना है, जिसका निकाला जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट मानते हैं, मतलब सपोज माना कि करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन, कार्बन कितना है, 12X है, 12X+ कितना हो गया, यहाँ पे बोला गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है, 22, 22 × कितना, 1। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है हम लोग का, 11, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और टोटल कितना, 0। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12X + 22 और -22 और = कितना, 0। ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो 12X = कितना, 0, X = कितना, 0/12 = कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, कार्बन का, जो आया 0, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हम लोग का KMnO4, KMnO4 में Mn का निकालना है, तो यहाँ पे Mn का आप लोग खुद निकालिएगा, जिसको कठिन लगेगा मैं उसी को बना रहा हूँ, आप लोग जो खुद कोशिश कीजिएगा कि इसको निकालने का, उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा कि इसका सर बन गया, इसका इतना आया। ठीक है, आगे हम लोग का व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन HClO4। HClO4 में यहाँ पे हम लोग Cl, यहाँ क्लोरीन की बात करते हैं, तो ऐसा वाला यहाँ पे चूंकि क्या बोला गया, HClO4 में क्लोरीन का निकालना है, फिर से हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जिसको निकालना है उसको एक्स मानते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है, ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए +1 हो गया, प्लस यहाँ पे 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 = कितना हो गया, टोटल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X+1 - कितना 8 = 0, 8 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7 = 0, तो X = कितना हो जाएगा, +7। माय डियर स्टूडेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +7। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं +7 है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थर्ड नंबर में है, यानी हमारा थर्ड नंबर सही होगा। आगे हम लोग का जो है हार्ड बढ़ते जा रहा है थोड़ा सा, अब लैंग्वेज की ओर जाना है हम लोग को, क्या बोला जा रहा है, इन द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, ये कम्बसन कराते हैं, तो हम लोग को नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, इसको पढ़ने का पहले ही हम लोग को सीख लेना है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, इसमें से ऑक्सीडेशन किसका होगा, कौन ऑक्सीडेशन होगा, इसको मेन समझना है। तो जब भी ऑक्सीडेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन में जो हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है उसको मेन देखना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ पे क्या हो गया, NH3+, इसको कंबसन कराते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ पे हम लोग आइए समझते हैं कि ये जो है कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो यहाँ पे आप लोग रफ में निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, इसका कितना होता है, +1, तो इसका कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, जब यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0।
यहाँ पे देखना है, ये जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी बोले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा बिना एक्सेप्शनल का, तो ऐसा में हम लोग क्या बोलते हैं, -2। कितना बोलते हैं, -2। तो इसका कितना हो जाएगा, +2। अब यहाँ पे कितना हो गया, फिर से यहाँ ऑक्सीजन है तो -2, और ये कितना हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे देखना है घट या बढ़ कहाँ पे रहा है, घट और बढ़ जहाँ पे रहा है उसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे जीरो, ऑक्सीजन का जीरो है, जीरो से -2 या -2, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन ना होके रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो चूंकि हम लोग को बोला कि ऑक्सीडेशन कौन होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन हो रहा है हमारा, NH3 हो रहा है। कौन हो रहा है, NH3। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अमोनिया, ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे है इन द रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है AgBr, उसके बाद यहाँ C6H6O2, उसके बाद एरो देके AgHBr और C6H4O2 दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस, इसमें से कौन ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से कौन ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर से हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या था हम लोग को, ये रिएक्शन लिखना है AgBr, क्या लिखना है, AgBr प्लस यहाँ पे बोला गया है C6H6O2, ये दोनों को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा रिएक्शन में क्या बनता है, Ag बनता है, HBr बनता है, क्या क्या बनता है, Ag बनता है, HBr बनता है, उसके बाद हम लोग को क्या बनता है, C6H4 और क्या है, C6H4 और O2, क्या है, C6H4 और O2। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ब्रोमीन क्या है, ग्रुप 17, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1, कितना हो जाएगा, -1। तो इसका -1 हो गया, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, +1, कितना हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे मेन समझना है कि इसका कार्बन का कितना हो जाएगा, फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे 6x+6, और यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, उसके बाद +2 × -2, और टोटल कितना, 0, कितना हो जाएगा, 6x+6, और यहाँ पे -4 = 0। तो यहाँ पे 6x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और टोटल 0। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x, और बराबर किधर इसको लाएंगे तो कितना, -2 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, -2/6, मतलब कितना, -1/3। वैसे हम लोग जानते हैं रेशनल नहीं होता है, लेकिन हम लोग को इसको जस्ट उतना ज्यादा हम लोग को समझना नहीं, यहाँ पे सिर्फ करना है क्या, -1/3 है। अब इसमें हम लोग फ्री स्टेट है तो इसका कितना हो गया, 0। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, -1, तो इसका कितना हो जाएगा, +1। उसके बाद यहाँ पे इसका कार्बन का निकालते हैं, तो कार्बन का यहाँ पे इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x+ कितना 4, और यहाँ पे (1+2) ऑक्सीजन का -2, और टोटल कितना, 0। तो 6x+4 और -4 = 0, ठीक है, ये 4 4 कट जाएगा, x = कितना, 0/6 = कितना, 0। मतलब यहाँ पे -1/3 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, -1/3, और इधर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, इन द रिडॉक्स रिएक्शन, सेम वही चीज है ना, तो आप लोग खुद बनाइएगा ये सबको, ये सबको खुद बनाइएगा। आगे हम लोग पहुंचते हैं क्या चीज, कि Mg और N2, Mg मतलब मैग्नीशियम, और ये डायनाइट्रोजन, दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे, ये जो है हीट का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब ये जो है क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन। एडिशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन SO2 और HNO3, ये एरो क्या हो रहा है, H2SO4 और NO2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
या बोथ होगा या नन ऑफ दिस होगा। स्वाभाविक है कि जब भी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो कोई एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग इससे पहले हम लोग जब बनाए थे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज क्या सीखे थे कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऐसा जब निकाले थे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या चीज की ये जो हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है, ऑक्सीडेशन को बोल देना है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन को बोल देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग आइए समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले आप लोग जो है कोशिश कर लीजिएगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ लेकिन आप लोग भी कोशिश कर लीजिएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो SO2 प्लस क्या है, HNO3, क्या है, HNO3, और यहाँ पे आगे क्या है हम लोग का, इधर जो बन रहा है H2SO4, 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 और प्लस क्या हो रहा है, NO2, ठीक है। बाकी बैलेंस तो अपने आप कर लेना है वहां पे, उसका जरूरत नहीं भी करेगा। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है क्या चीज, इसका -2, तो इसका कितना हो जाएगा +4, बराबर को उधर जाएगा तो इधर हम लोग डायरेक्ट इसको निकालते हैं, तो इसका -2 होता है, इसका +1 होता है, तो 3 दुना 6, 6 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा इसका, हम लोग को याद रखना है H2SO4 जहाँ रहेगा तो सल्फर का कितना, +6 होता है। यहाँ पे 2 दुना 4, 4, और यहाँ प्लस को उधर जाएगा तो क्या, बराबर को उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4, 4 से कितना हो रहा है, 6, कितना हो रहा है, 6, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो 5 है, +5 से कितना, +4, मतलब ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन और उपचयन हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ये ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, SO3, SO2, और HNO3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों में हम लोग देखें कि ये रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो रहा है, ये हम लोग का विघटित हो रहा है, विघटित हो रहा है मतलब डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 26 का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, वीडियो लंबा हम लोग का हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को अच्छे से बनाने के लिए सीखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ढक गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा है, ठीक है। यहाँ पे V2O5 है, यहाँ पे आप लोग जो है शर्मा वर्मा गैस लिए ही होंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, V2O5, V2O5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, इधर इधर करेंगे तो ये वेनेडियम बन जाएगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे वेनेडियम, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, विघटित कर रहा है, कौन, कैल्शियम, और कैल्शियम इसका स्थान में आ जा रहा है, ठीक है, कैल्शियम स्थान में आ जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, डिसप्लेसमेंट, मतलब डिसप्लेस कर दे रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है डिसप्लेसमेंट है क्या, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आगे है हम लोग का क्या चीज, इन अ रिएक्शन, यहाँ पे कार्बन और ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, जिसके कारण CO2 H2O NO2 बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है HNO3 क्या कहलाएगा, HNO3 हम लोग का क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग HNO3 को हम लोग देखते हैं, तो HNO3 आप लोग खुद बनाइएगा इसको, मैं नहीं बना दूंगा, आप लोग खुद बनाइएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग खुद बनाइएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब होता है क्या चीज, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है क्या, हीट का इवॉल्व होना, क्या हो रहा है, हीट का इवॉल्व होना, ठीक है, मतलब हीट निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, ही इवॉल्व इज गिवन पॉजिटिव साइन, जो क्या क्या देता है, पॉजिटिव साइन देता है। और इंडोथर्मिक, इंडो का मतलब होता है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी का मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इन गिवन, तो क्या होता है, नेगेटिव साइन देता है।
आइसोलेटेड सिस्टम, ये माय डियर स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है, बट इसको जान लेना है। आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का क्या होता है कि ये ना ही मास को एक्सचेंज करता है ना एनर्जी को एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे है रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे जितना होना चाहिए उससे हम लोग का कम है ना, तो यहाँ पे अगर उसके बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना है कि किसका जितना होता है एग्जैक्ट। जैसे यहाँ पे बोला गया सल्फर, सल्फर का कितना होता है तो 6 होता है, कितना होता है 6। अगर 6 से कम आ गया, 6 से कम आ गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसी टाइप से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है +5, कितना होता है +5। मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है हम लोग का, ये कितना सल्फर, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 286 कितना होता है 286। नाइट्रोजन का कितना होता है 2 और हम लोग का 5। मतलब कितना लूज कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग का जहां भी कम होगा, जितना इसका +5 या +6 दिख रहा है उससे अगर कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और अगर एग्जैक्ट उसके बराबर हुआ तो नॉट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है, इसका 2 दूना 4 है ना, तो यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे भी +4 हो गया, जबकि इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 2 दूना 4, तो एग्जैक्ट हम लोग का कार्बन का कितना होता है, ये 6 एटॉमिक नंबर, तो इसका 2 और 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4, +4 हो गया, तो +4 एग्जैक्ट आ गया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज कि इन द रिएक्शन CuO प्लस H2 है ना, यहाँ CuO जो है, ये कॉपर जो है ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा CuO प्लस H2। यहाँ पे हम लोग का H2 जो है, यहाँ पूछा जा रहा है विच इज ऑक्सीडाइज, विच इज ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, 0 से कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे समझ लेना CuO, उसके बाद प्लस क्या हो जा रहा है H2, यहाँ पे क्या हो जा रहा है Cu+H2O, ठीक है। यहाँ पे -2 तो इसका कितना +2, और यहाँ पे 0 हो गया, फ्री स्टेट में इसलिए इसका ये 0 हो गया, यहाँ पे -2 और इसका +1। यहाँ पे देख रहे हैं 0 से कितना हो रहा है +1 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे H2 जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझना है। आगे है इन द रिडॉक्स रिएक्शन NaH2 है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन कौन सा ये ले रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, इसको आप लोग खुद बनाइएगा है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग, ये जो है आप लोग को क्या है मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे इसको बनाना है। बोला जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्पेसिफिक डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का जितना एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है और मैक्सिमम अगर शो कर दे तो उसका डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हम लोग का क्या, अगर यहाँ पे समझना है कि +1 रहा, +3 रहा, +5 रहा, मतलब +1 से लेके +6 तक रहा, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर हम लोग का यहाँ पे जैसे ही एग्जैक्ट एग्जैक्ट अगर हम लोग का +7 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इसका यही ट्रिक है, इसको समझना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, ठीक है। यहाँ पे पहला में क्या दिया हुआ CLO, यहाँ पे क्या है -7। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका X, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो होगा -2 और इक्वल टू यहाँ पे -1, यहाँ पे X, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 -1 इक्वल टू कितना +1, मतलब इसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन निकलेगा, कितना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन निकलेगा। आगे है तो बी में क्या चीज कि CLO2, CLO2 -7, यहाँ पे फिर से क्या मानेंगे X+2 और -2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, तो X-4 इक्वल टू कितना -1, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 -1 इक्वल टू -3, सॉरी +3, यहाँ पे भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन निकलेगा। आगे है हम लोग का थर्ड नंबर में कि
ये जो Cl O3 माइनस, इसका क्या बोलते हैं x, उसके बाद -3 × 6 और इधर कितना -1, तो x इक्वल टू कितना, ये +5 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन निकलेगा। आगे है क्या चीज, Cl O4 और यहाँ पे माइनस, इसका निकालेंगे तो कितना x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और -2 इक्वल टू कितना -1, तो x -8 इधर ले जाएंगे तो कितना +8 − 1 इक्वल टू +7। ये एग्जैक्ट 7 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं निकलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।